वैशाली जिले के कटहरा ओपी पुलिस ने किराना दुकान लूट मामले का किया सफल उद्भेदन। लूट के 80,000 रुपए में से 20,000 रुपए नगद, 2 कट्टा, 8 जिंदा कारतूस, 2 मोटरसाइकिल के साथ 6 अपराधी को किया गिरफ्तार। पकड़ा गया सभी अपराधी वैशाली जिला का रहने वाला बताया गया है। इस लूटकांड के दौरान एक साइकिल मिस्त्री को भी गोली लगा था। वैशाली एसपी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि इस घटना का सफल उद्भेदन कर लिया गया है। गिरफ्तार सभी अभियुक्तों ने घटना में संलिप्तता को कबूल किया है। बता दें कि 19 सितंबर को कटहरा चौक स्थित ग्रामीण बैंक के पास 2 मोटरसाइकिल पर सवार 6 अज्ञात अपराधियों के द्वारा मंजय कुमार के किराना दुकान पर लूटपाट किया गया था। लूटपाट के दौरान दुकान के बगल में एक साइकिल दुकानदार मंटुन कुमार को अपराधियों ने गोली मारकर जख्मी कर दिया था, जिसमें कटहरा ओपी कांड संख्या 398/2023 दर्ज की गई थी। जिसके बाद महुआ एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम गठित कर असूचना इकाई एवं कटहरा ओपी पुलिस के द्वारा तत्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। कटहरा थाना अंतर्गत कटहरा बाजार में एक फायरिंग की घटना कार्य की गई थी, जिससे एक व्यक्ति गोली लगने से जख्मी हो गए थे और एक दुकानदार से 80,000 रुपये ले लिए गए थे। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ महुआ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें सर्कल इंस्पेक्टर महुआ, SHO कटहरा और DIU के पदाधिकारी और कर्मी शामिल थे। इस टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इस कांड का सफल उद्भेदन कर लिया गया है। इस घटना में शामिल कुल 6 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से एक पिस्टल, 1 कट्टा, 8 जिंदा कारतूस और 20,000 रुपये बरामद किए गए। ये घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया। सर, जितने भी लोग शामिल थे सारे लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है? सभी लोग। सर, लूट कितने का हुआ था? लूट 80,000 रुपये का प्रतिवेदित किया गया है, उसमें से 20,000 रुपये की बरामदगी हो गई। ये लोग सब क्या वैशाली जिला, क्या बाहर का? ये सभी गुदौल कटहरा थाना क्षेत्र के हैं।